डैडी लिटिल मास्टर का यह वीकेंड दोस्तों बड़े ही धमाकेदार तरीके से समाप्त हुआ और साथ ही साथ इस वीकेंड में हमें एक एलिमिनेशन भी देखने को मिला और वो बड़ा ही शॉकिंग एलिमिनेशन था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि डैडी लिटिल मास्टर के पिछले वीकेंड में यानी संडे स्पेशल के दौरान में रूपसा बाताब्याल का एलिमिनेशन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, वह काफ़ी शॉक्ड रह गई जब उनका नाम लिया गया और उसके बाद में वह स्टेज पर आती हैं और वह काफ़ी भावुक हो जाती हैं। उसके बाद में हमारे सभी कंटेस्टेंट वहां स्टेज पर पहुंच जाते हैं, मोनी रॉय और साथ ही साथ सोनाली मैम भी वहां स्टेज पर पहुंच जाती हैं और उन्हें हौसला देती हैं। जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका रहा है दोस्तों, अभी तक का बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस रहा है। उनके एलिमिनेशन के बाद में उनके चाहने वाले काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हैं, जो कि बियर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी रूपसा का एलिमिनेशन कैसे हो गया। वैसे आप क्या सोचते हैं दोस्तों, रूपसा के इस एलिमिनेशन को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि उनका एलिमिनेशन कितना जस्टिफाई है या उन्हें किसी दूसरे कारण की वजह से उन्हें एलिमिनेट किया गया है। जो भी हो, अब रूपसा डीआईडी लिटिल मास्टर का हिस्सा नहीं रहेंगी। उनका सफ़र अब यहीं समाप्त हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और डीआईडी लिटिल मास्टर के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभात जागरण। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।